Yeah, boy. तो क्या हाल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो गाइस अगर इंट्रो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना है तुम लोगों को, लाइक एम है 1K, और सब्सक्राइब करना है, मतलब सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो 39K, जल्दी से हो जाना चाहिए यार, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। फिलहाल बात करते हैं गेम की। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ क्राउन 3 पर और मेरा रैंक ऑलमोस्ट 8000 चल रहा है। तुम्हारा रैंक और टीयर क्या चल रहा है कमेंट में बता देना। आज तुमने कितना प्लस किया, क्या माइनस हुआ, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें कमेंट में बताओ, मैं पढ़ता हूँ। और भाई तुम लोग बोल रहे थे कि भाई सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, तो गाइस तुमको आगे सेंसिटिविटी भी हम बता देंगे क्या और कैसे रखते हैं। फिलहाल बात करते हैं गेम की। तो भाई आज की इस वीडियो में 2 गेम प्ले होने वाले, और भाई मेरे को मिलने वाला है 40 का प्लस, एक गेम में 40 का प्लस और एक गेम में 37 का प्लस, और ये गेम प्लेज हैं भाई क्राउन के। तो भाई इतना ज़्यादा कैसे प्लस, मतलब इतने मेरे किल्स भी नहीं थे कि भाई इतना प्लस इसने दे दिया, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा प्लस कैसे मिलेगा। तो भाई आज की इस वीडियो में तुमको देखने को मिलेगा कि अगर लॉबी अच्छी आती है, और लॉबी इतनी खास भी नहीं लग रही थी, देखो यहाँ पर। फिलहाल ये वाला किल कैसा लगा, अगर ये वाला किल अच्छा लगा तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक करना। ये बंदा सोच रहा होगा कि मैं बच गया हूँ और भाई निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 2 हेड में कनेक्ट करता हूँ और इसको भाई उतार लेते हैं गाड़ी से। फिलहाल ऊपर की साइड से मेरे को ऐसा साउंड आता है कि भाई कोई गाड़ी आ रही है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास लूट नहीं थी, मैंने सोचा कि अगर M4 उससे मिल जाए मेरे को तो अच्छा रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मेरे पास हीलिंग नहीं थी, तो मैं आता हूँ हीलिंग लूटने के लिए, और सामने मेरे को लगा पहले कि ये बंदा है। देखो भाई इसके मूवमेंट देखो, मैंने कहा भाई इसको मारने में भाई सुबेरा हो जाएगा, इसको लूटते हैं और निकलते हैं जल्दी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए बंदे बैठे रहते हैं। कब तुम ओपन में आओ और कब बंदे थर्ड पार्टी करते हैं कुछ पता नहीं लगता भाई, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। फिलहाल मैं उस बंदे को लूट के सीधा आ जाता हूँ अपनी पोजीशन पर, और भाई ये पोजीशन देखो, ये इस वाले गेम में मैंने सेंटर होल्ड नहीं किया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई अगर एज होल्ड करते हैं तो क्या उधर पर जोन बनता रहता है, और भाई लास्ट तक इस एक पर जोन बनता रहता है। देखो मतलब लक कितना सही था। फिलहाल यहाँ पर एक बग्गी जाती है, और इस बग्गी वाले को पता नहीं क्या था, मतलब ये बंदा सामने जाके मेरी गाड़ी फोड़ने की कोशिश करता है। सामने गाड़ी रुक चुकी थी, मेरे को साउंड आ गया था। अब जैसे ही इसने मेरी गाड़ी पे फायर लिया, मैंने कहा अब की बार तुम फायर लो, और भाई इस बार हम इसको भर देते हैं। मैंने कहा भाई दूसरी बार तुमको मैं अपनी गाड़ी नहीं फोड़ने दूंगा, लेकिन इसने मेरी बग्गी जला दी थी, मतलब धुआं निकलने लगा था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भाई यहाँ पर जोन बनता रहा, तो यहीं पर मैं होल्ड किए रहा। फिलहाल 20-11 3 किल मेरे हो चुके हैं। सामने की तरफ मैं चेक कर रहा था, सामने से मेरे को साउंड आउंड आ रहे थे गाड़ियों के, तो मैं चारों तरफ ध्यान दे रहा था। अगर तुम सेंटर होल्ड करते हो या फिर तुम लकली सेंटर में पहुंच जाते हो, तो भाई तुमको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कौन बंदा तुम्हारे ऊपर रस कर रहा है और कौन बंदा नहीं। फिलहाल यहाँ पर आती है एक UAZ। अब देखो सेक पर रस करने का देखो एक तरीका है, ये बंदा क्या करता कि ऊपर की साइड थोड़ा जाता, वहाँ पे भाई एक पेड़ है, वहाँ से भाई मेरा व्यू ब्लॉक करता, मेरे ऊपर स्मोक कर देता, फिर उधर से धीरे धीरे करके आ जाता मेरे क्लोज, और पेड़ इस सेक के पास में एक पेड़ भी है, और वहाँ से भाई तुम अच्छे से फायर ले सकते हो। इस सेक का मैंने तुमको बता दिया कि अगर इस सेक पर तुमको रस करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, भाई मेरे को बताया ऊपर की साइड एक पेड़ है, उधर से भाई स्मोक करो पूरे सेक के आसपास, उधर से फिर क्लोजिंग करो सेक के जस्ट पास में ही एक पेड़ है, उसका कवर बनाओ या फिर सील्ड का कवर बनाओ, ईजिली इस सेक पर तुम रस कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को लूटा और मिल जाती है अपने को फेवरेट गन M4। मैंने कहा अब तो भाई थोड़ी बहुत तबाही हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट जोन बनने का, और नेक्स्ट जोन मेरे पर ही बन जाता और अगला जोन भी बनने वाला था।
तो ऊपर की साइड एक बंदा आ चुका था जिसके पास थी AWM। अब इसने एक दो बार AWM चलाई थी तो मेरे को पता लग गया था कि इस बंदे के पास AWM है, मतलब इस बंदे को पीक नहीं देना है। गलती से भी अगर तुमने पीक दिया तो सीधा लॉबी में भेज देगा। अब यहां पर क्या होता है कि सैफ नाम के बंदे ने भाई मारा है इस बंदे को और भाई वो बंदा भी जोन में मर गया है, लेकिन अभी भी वहां पर AWM वाला बंदा एक है जिंदा वहां पर। तो गाइस देखो, तुम लोग बोल रहे थे कि भाई सेंसिटिविटी बताओ, अपनी सेंसिटिविटी बताओ, तो भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तुमको एक कोड मिलेगा, सेंसिटिविटी कोड और कंट्रोल कोड। तुमको अगर सेंसिटिविटी मेरी वाली रखनी है तो भाई वो कोड कॉपी करो और जाके वहाँ पे अपने गेम में सेंसिटिविटी में जाके पेस्ट करो और अप्लाई कर दो, और वहाँ पर तुम्हारी सेंसिटिविटी सेम टू सेम मेरी जैसी हो जाएगी। अब सामने की तरफ बंदा था जो कि राइट में एक और बंदा होता है, मेरे को पता नहीं था, उस बंदे ने इस बंदे को भी किल कर दिया। मैं वेट कर रहा था अच्छे मूवमेंट का कि भाई कब ये बंदा निकले, लेकिन उसके पास शायद से जोन था। अब देखो सामने की तरफ एक बंदा है और एक बंदा वहां से निकलने वाला है और एक बंदा लेफ्ट में है, चौथा बंदा मैं हूँ, मतलब दो बंदों की लोकेशन मेरे को नहीं है पता। अब देखो यहाँ पर मैंने अपना स्प्रे क्यों रोका, क्योंकि वो बंदा भाई शायद पीक ले रहा हूँ AWM के लिए, लेकिन वो बंदा स्मोक करने के लिए पीक ले रहा था। फिलहाल मैं आ जाता हूँ सेफ के बाहर, क्योंकि वो बंदा वहाँ से नेड कर सकता है, इसलिए मैं बाहर आया, शील्ड बनाई। अब यहाँ पर पांच बंदे अलाव है, एक सामने है और एक पीछे और एक राइट से भाई आएगा भी, तुम देखना यहाँ पर। चौथा बंदा मैं हूँ, लेकिन एक बंदा कहाँ पर है ये पता नहीं है। अब देखो यहाँ पर मेरे को आता है फुट स्टेप्स सामने की तरफ से कि एक बंदा भाई मेरे पे क्लोज इन कर रहा है, लेकिन अभी स्मोक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे ही स्मोक हटा मेरे पे आया मोलोटॉप, मैं गया अंदर भाई, सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई और सामने वाला बंदा इस बंदे को AWM से किल कर देता है। तो मतलब एक बंदा जस्ट सामने है और एक बंदा पीछे की साइड पर है, जस्ट पीछे पेड़ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पीछे वाले बंदे पर मैंने सोचा कि एक नेड कर देते हैं, इधर की तरफ मैं देख रहा था और मैं पीछे वाले बंदे पे नेड कर देता हूँ और इस नेड से ये वाला बंदा हो जाता है किल, और सामने की तरफ से एक नेड आता है मेरे पे बाउंस करते हुए, लेकिन मैं लकली बच जाता हूँ। तो मेरे को पता था कि सामने की तरफ बंदा है, तो मेरे पास दो नेड थे, मैंने दोनों नेड ट्राई किए। और यहाँ पर बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है और इजीली किल कर देता हूँ। देखो इसमें मेरे को 40 प्लस मिला, 6 किल विद चिकन, 6 किल के साथ 40, यार भाई मज़ा आ गया कसम से भाई। आधा टीयर तो एक ही गेम में ख़त्म हो गया, मतलब 40% ख़त्म एक ही गेम में। फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की। तो यहाँ पर ये वाला सेक था जोन में, तो भाई सेंटर था, मैंने होल्ड किया, तभी आती है यहाँ पर एक बग्गी और ये वाला किल देखने के बाद। AKM का स्प्रे देखो यार, मतलब तुम M4 के स्प्रे देखते होगे, मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम AKM का स्प्रे देखो कितना बेहतरीन था। इसके लिए तो लाइक बनता है, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। फिलहाल यहाँ पर देखो लास्ट के सर्कल में हम आ जाते हैं। अब ये वाले करते हैं कंपाउंड में, तो मैंने कहा सीधा रस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे से एक गलती हो जाती है कि ये गाड़ी यहाँ पर ठुक जाती है। अब ठुक गई गाड़ी तो रुकना पड़ेगा, और सामने बंदा भी आ रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी हेल्थ रिकवर करता हूँ और इस बंदे को हम भर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेनेड आया, अब इससे मेरी फाइट हुई, तो भाई दूसरा बंदा जो है ना वो थर्ड पार्टी करने के लिए मेरे पे जल्दी से रश कर देता है, और उसके पास थी ग्रोजा। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि मैंने उसको भी दो हेड चिपकाए थे, तो उसकी भी HP लो होगी, और उस बंदे ने भी मेरे को लो कर रखा था, लेकिन लास्ट गोली मैं कनेक्ट करता हूँ जिससे कि वो बंदा भाई किल हो जाता है। अब सामने भी एक बंदा आ रखा था,
अब देखो ये बंदा जोन के अंदर पहुंच गया और मैं जोन के बाहर हूँ, 2 सेकंड बचे हैं, मेरे को लूटना था क्योंकि मेरे को चाहिए थी ग्रोजा, क्योंकि मैं जोन के बाहर रहूँगा और इस बंदे को मारने के लिए मेरे को ग्रोजा लगेगा क्योंकि ये बंदा जोन के अंदर है, ये डैमेज नहीं खाएगा। जोन का डैमेज मेरे को लेना है, उसके लिए एक अच्छा वेपन होना चाहिए जिससे कि तुम उसको किल कर पाओ। तो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मैं उठाऊँगा ग्रोजा और देखते हैं इस बंदे को कैसे किल करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जोन आया, जल्दी जल्दी से मैंने लूटा और निकल लेते हैं जोन में। सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रेनेड करूँगा मैं उस विंडो पर, क्योंकि वहाँ पर वो पीक ले रहा हो सकता है, इसलिए मैंने ग्रेनेड किया और थोड़ा सा प्रीफायर दिया। लेकिन इस घर में बंदा था ही नहीं, बंदा था आगे वाले घर में। अब देखो मेरे को जोन का डैमेज पड़ा तो मैं सीधा गया राइट से। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि राइट वाले घर में होगा, लेकिन बंदा होता है लेफ्ट वाले घर में। और यहाँ पर एक अच्छा सा प्रीफायर, मेरे को पता था कि इसी विंडो से मेरे को मारने के लिए ये बंदा निकलेगा और वहाँ पर हमने एक प्री फायर दिया और ये बंदा हो जाता है इजीली किल। फिलहाल यहाँ पर उस बंदे को लूटता हूँ मैं और निकलने का टाइम हो चुका था जोन में, क्योंकि यहाँ से जोन हट चुका था। अब मेरे को M4 मिल चुकी थी, मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं, 7 किल हो चुके हैं। इस गेम में भी मेरे को एक अच्छा खासा प्लस मिलता है देखना, जबकि इस गेम में मेरे को चिकन भी नहीं मिला, मतलब कितना अच्छा लगता मेरा इस टाइम पे। अब देखो 10 सेकंड बचे थे तो मैंने कहा भाई निकलते हैं जोन की साइड। सबसे पहले एक बूस्ट लगाया, बंदा पूरा ओपन था मेरे सामने से, लेकिन ये बंदा मेरे पास थर्ड पार्टी कर देता है और इसका मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पर भी बंदा है, ये बंदा मेरे को थर्ड पार्टी कर सकता है। तो यहाँ पर भाई मेरे को 37 का प्लस मिला, मैंने कहा इतना ज़्यादा यार प्लस कैसे मिल गया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो डेथ कैम कैसे इस बंदे ने मेरे को किल किया। तो गाइस ये था गेम प्ले वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों फ्रेंडों में, थोड़ा बहुत उनका हेल्प हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कर देना कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।